हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप जो ये चहल पहल देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है चैत्य भूमि। दादर का व्यू है जो आप सब देख सकते हो, कितनी सारी पब्लिक है फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये है समता सैनिक दल के सैनिक। और फ्रेंड्स, हमारे पास है मीडिया पास, इसके लिए हम डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। और आप ये लाइन देख सकते हो फ्रेंड्स, जो आप लाइन देख पा रहे हो पब्लिक की, ये लाइन है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अभिवादन करने के लिए। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं फ्रेंड्स, और लाइन लगाए हुए हैं दो दिन से। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है चैत्य भूमि का अशोक स्तंभ। आप सभी देख सकते हो कितना सुंदर इसे सजाया गया है। और ये है जलता हुआ दीप ज्योत, जो अभी अभी न्यू स्थापन किया गया है फ्रेंड्स। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांचा आज 66वा महापरिनिर्वाण दिन आपण पाहतोय। मी चैत्यभूमीच्या परिसरामध्ये आहे। 2 दिवसापासून लाईन लागलेली आहे, ती अखंड चालू आहे। आणि शिवाजी पार्क आणि चैत्यभूमीच्या परिसरामध्ये लोकांनी आणि आंबेडकरी अभियाने संपूर्ण रस्ते संपूर्ण ग्राउंड्स फुलून गेलेले आहेत। एवढा प्रचंड मॉब आज या ठिकाणी आलेला आहे। मला असं वाटतं की हा 50 लाखाच्या आसपास असतील एवढी प्रचंड लोकसंख्या आज मुंबईच्या रस्त्यावरती आहे। आणि ही फक्त आणि फक्त बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी आलेली आहे। खरं म्हणजे और आप सभी इस तरफ देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सी तस्वीरें रखी हुई है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पुरानी तस्वीरें। और आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। और चलते हैं अभी हम चैत्य भूमि की तरफ। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स चैत्य भूमि के पास। तो चलो अभी हम चलते हैं चैत्य भूमि की अंदर की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे भिक्षुओं जी का आगमन हो रहा है, जो बाहर देश से आए हुए है भिक्षु, जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अभिवादन करने के लिए आए हैं। और उन्हीं के साथ आए हैं गगन मलिक जी, जो कि भारतीय अभिनेता है, जिन्होंने श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म में गौतम बुद्ध का रोल निभाया था। और देख सकते हो फ्रेंड, चैत्य भूमि को कितने प्यारे तरीके से सजाया गया है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन के लिए। और व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। और जैसे ही हम चैत्य भूमि के अंदर एंटर करते हैं फ्रेंड्स, व्यू कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, आप ही सब देख सकते हो। और अगर आपको फ्रेंड्स चैत्य भूमि का इन डिटेल वीडियो देखना हो, तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले अपलोड किया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो यहीं से अभिवादन करते चले जाना है। और यहाँ पे कैमरा सेटअप देख सकते हो फ्रेंड्स, और देख सकते हो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी एंट्री किए हैं, उन्हीं के साथ जो भिक्षु जी आए हैं फ्रेंड्स बाहर देश से, वो लोग भी अभी अंदर एंट्री कर रहे हैं, देख सकते हो आप सभी। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया गगन मलिक जी के बारे में, ये है गगन मलिक जी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। और देख सकते हो सभी भिक्षुए जो बाहर देश से आए हुए है फ्रेंड्स, उन्होंने सब मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अभिवादन किया। तो अभी टाइम है फ्रेंड चैत्य भूमि से बाहर निकलने के लिए, तो अभी हम चैत्य भूमि से बाहर निकलेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको चैत्य भूमि के बाहर का नज़ारा भी जरूर दिखाऊंगी। तो अभी निकल चुके हैं हम चैत्य भूमि के बाहर, और देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे चैत्य भूमि के बाहर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का इंटरव्यू चल रहा है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सी गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है, जो चैत्य भूमि में स्थापन की गई है अभी अभी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस गौतम बुद्ध जी के मूर्ति के सामने सब बैठ के वंदन कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो, जो आप हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो फ्रेंड्स, वो हेलीकॉप्टर से पूरे चैत्य भूमि में फूलों की बरसात की जा रही है फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हो। ये है हेलीकॉप्टर जो फूलों की बरसात कर रहे हैं चैत्य भूमि पर फ्रेंड्स।
और जैसे कि आप सभी देख सकते हो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा ये है अशोक स्तंभ चैत्य भूमि का। और यहाँ पे ये भिक्षुए देख सकते हो कितने खुश नजर आ रहे हैं, और ये अभी वापस जा रहे अपने देश। और यहाँ पे हमारे सुमित जी प्रकाश राज आम्बेडकर जी के सुपुत्र के साथ और आनंद राज आम्बेडकर जी के पुत्र के साथ फोटो निकाला। और जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको आज का जो